गौसियान का सवाल ये है कि ईशा की नमाज़ के बिना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो ईशा की मुकम्मल नमाज़ पढ़नी है या फ़र्ज़ पढ़ने के बाद तहज्जुद पढ़नी है, डिपेंड करता है। अगर ईशा के फ़र्ज़ पढ़ लिए गए हों तो उसके बाद तहज्जुद हो जाएगी, जबकि तहज्जुद की अपनी शर्तें यानी वो सोना उसमें पाया जाए। और अगर ईशा मुकम्मल ही नहीं पढ़ी और पहले तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं फिर उसके बाद ईशा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तहज्जुद जो है वो ईशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद ही अदा की जाएगी। बाकी डिटेल वीडियो मैंने तहज्जुद के बारे में बना रखी है, यहाँ क्लिक करके देखें।